आज की तारीख है 29 2022 और ये चल रहा है शायद। अरे ये कौन सा चल रहा महीना? अक्टूबर चल रहा है। सो गाइस मैं भूल गया था थोड़ा बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार। तो मेरे साथ है संदीप और उसका फ्रेंड। तो गाइस देखते हैं आज कुतुब मीनार के अंदर क्या क्या चेंजिंग है और क्या क्या है कुतुब मीनार। सो गाइस अभी हम आ गए हैं अंदर की तरफ और ये है यहाँ पे टिकट काउंटर पे आ गए हैं। तो देखिए आज काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, काफ़ी लोग आ रखे हैं, जबकि आज छठ पूजा भी है। और मेरे साथ आए हुए हैं संदीप और संदीप का फ्रेंड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? सब फाइन, सब फाइन। सो गाइस चलते हैं काउंटर की तरफ, देखते हैं कितनी भीड़ है। तो गाइस बहुत देर के बाद मिला मुझे ये टोकन, बड़ी लंबी में लाइन पे खड़े होने के बाद। अब दूसरी लाइन यहाँ खड़े हो जाते हैं। तो गाइस ये संदीप खड़ा हो गया यहाँ पे लाइन में जा रहा है। तो ये एंट्री गेट है यहाँ से अंदर घुसने का। तो गाइस टिकट लेने के बाद हमें यहाँ से अंदर एंट्री करनी है और ये सामने आप देख सकते हैं। तो लाइन का हिसाब किताब है, यहाँ से लाइन से जाना है, लाइन से आना है। और तो गाइस यहाँ का टोकन देख सकते हैं, इस तरह हो गया आज का टिकट में। तो बहुत भीड़ पे लाइन पे खड़े होके लेना पड़ा, मेट्रो का लगता है, मेट्रो वाला। तो गाइस घुस गए हम मैरोली के अंदर, कुतुब मीनार के अंदर आ चुके हैं। बड़ी शौकत के बाद अंदर आया हूँ क्योंकि यार लाइन इतनी लगी नहीं पड़ी है, बहुत लंबी लाइन थी। और टिकट टोकन लेने के लिए बड़ा मुश्किल से टोकन मिला है। वो देखो इस तरीके का टोकन है, टच करना था वहाँ से अंदर घुसना था। तो मैंने माइक लाया हुआ था, वो भी इन्होंने रख लिया है अंदर। माइक यूज़ नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं पहले जेब में डाल लेता, बाद में नहीं देखते उन लोग। तो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं कुतुब मीनार। ओह सो गाइस जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ, तो मैं बचपन में आता था तो मुझे कुतुब मीनार बहुत बड़ा दिखता था और काफी लंबा दिखता था। अब मैं खुद बड़ा हो गया हूँ तो थोड़ा कम हाइट होगी इसकी। माय गॉड, सो गाइस देखा आपने कितना बड़ा कुतुब मीनार है, बहुत ऊंचा है ये कुतुब मीनार। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने इतना बड़ा ऊंचा विशाल कुतुब मीनार है। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ और बचपन में एक बार आया हुआ था मैं यहाँ पे, इतना बड़ा दिख रहा है। सो गाइस इसको देख के तो चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो आप भी यहाँ पे आइए एक बार और इसको बिल्कुल इसके स्टेज नीचे खड़े होके ऊपर की तरफ देखिए। गाइस अभी हम अंदर घूम रहे हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे। तो मेरे सामने अभी एक मकबरा है, आपको दिखाते हैं मकबरा। सो गाइस आ गया हूँ मैं मकबरे के अंदर और इस मकबरे के बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब अपने पढ़ के तो मैं बता नहीं सकता बट अपने शब्दों में बयां कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा मकबरा है और यहाँ पे पुराने टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है और काफ़ी अच्छा मकबरा है। इसके अंदर कबूतर आके
घर बना रखे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब मैं इसकी हिस्ट्री नहीं बता रहा आपको, ऐसे ही इंजॉय करते हुए अपना घूम रहा हूँ यहाँ पे। सो बने रहे मेरे वीडियो पे और आगे और चलते हैं, देखते हैं। टूट गई, ठोक दे रहा है। और उड़ा बच गई है तो निकल गई भाई साहब। गाइस जैसे कि हमने इधर की तरफ देख लिया है, अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। आगे भी कुछ चीज़ें हैं अभी देखने लायक, तो हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे काफ़ी पैरट्स दिख रहे हैं मुझे, हरे हरे करके, तो काफ़ी पैरट्स है इसके ऊपर। आप सामने देख सकते हो वहाँ पे पैरट्स है, तो मतलब इस फ्लोर पे तो बहुत पैरट्स मिलेंगे आपको, गोरे गोरे हरे कलर के, बड़े धांसू पैरट्स है, बोलते भी हैं वो। अभी मैं उनकी आवाज़ नहीं सुना सकता, काफ़ी दूर है। सो गाइस अभी हम घूमते घूमते एक ऐसे मकबरे पे आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है दिखने का, उसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। सो गाइस मैं पहले ही बता दूँ, मैं अपने ब्लॉग में इसका हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री। मुझे थोड़ा पढ़ने में एलर्जी है, तो मैं अपने शब्दों में बयां कर देता हूँ कि मुझे कैसा लगा और क्या क्या है। तो हिस्ट्री भी अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो भैया थोड़ा आगे हूँ, ये देखो ये इंग्लिश में हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री लिखी हुई है। और यहाँ पे इस साइड दिखाइए, ये भी हिंदी में लिखी हुई है, तो काफ़ी लिखा हुआ है। तो थोड़ा लिखा हुआ तो मैं पढ़ लेता, बहुत है मेरे लिए, तो मुझे थोड़ा एलर्जी है पढ़ने से। तो आइए आपको और आगे दिखाते हैं। Oh,
सो गाइज आपने वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी आपको तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको मैंने दिखाया आज कुतुब मीनार का सीन, आज का आज की तारीख है 29/2022 और ये चल रहा है शायद, अरे ये कौन सा चल रहा महीना, अक्टूबर चल रहा है। सो गाइज मैं भूल गया था थोड़ा बहुत, तो किसी से पूछा मैंने अभी, तब जाके बताया अक्टूबर चल रहा है। तो ऑनलाइन भी इसकी टिकट मिल जाती है, आपने देखा ही मैंने भीड़ में से कैसे वो लिया टोकन, बड़ी मुश्किल से टोकन लिया है, बिल्कुल मेट्रो की तरह दे रखा है गोल सा, बढ़िया है, अच्छा है। सो गाइज कुछ हमारे साथ यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, भाई थोड़ा सा बता दोगे कैसा लगा कुतुब मीनार, क्या है अच्छा सा सामने वीडियो में? सो मैं पूछना चाहूँगा इन भाई से, भाई कहाँ से आए हो? नई दिल्ली से। तो गाइज इनसे पूछेंगे इनको कैसा लगा कुतुब मीनार, तो बताइए कुछ हम कुतुब मीनार के बारे में। बढ़िया लगा भाई, बढ़िया लगा। तो ही तो ऑनलाइन भी इसकी टिकट मिल जाती है, आपने देखा ही मैंने भीड़ में से कैसे वो लिया टोकन, बड़ी मुश्किल से टोकन लिया है, बिल्कुल मेट्रो की तरह दे रखा है गोल सा, बढ़िया है, अच्छा है। फिर अभी देखिए, अभी देखा नहीं है, फिलहाल में आप तो देखेंगे, अभी भी आए हो क्या? अभी तो टिकट के लिए लेट हो गए होंगे ना? तो गाइज बहुत टिकट की समस्या है यहाँ पे, अगर ऑनलाइन बुक कर लो तो बढ़िया है, आज तो सर्वर भी डाउन था तो काफ़ी भीड़ थी, तो भाई लोगों को काफ़ी टाइम के बाद टिकट मिली होगी है ना, और अभी अभी अंदर आए हुए हैं, अभी इन्होंने पीछे के पत्थर और वो मकबरे भी नहीं देखे हुए। तो गाइज अच्छा लगा आपसे मिलके भाई, क्या नाम है आपका भाई? अरबस। तो गाइज देखा कि आपने टिकट की कितनी समस्या है, तो गाइज बाय कर दो गाइज को, थैंक यू बस। तो गाइज देखा आपने टिकट की इतनी समस्या है कि बंदे अभी टिकट लेके अभी अंदर आए हुए, बताओ अंधेरा हो गया है अब क्या देखेंगे यार। सो टिकट की बड़ी समस्या है, तो टिकट के लिए जब भी आप आए तो किसी से सेटिंग कर लो या कुछ कर लो, टिकट दे देते हैं चुपचाप से तो सही रहता, क्योंकि हम भी लाइन से काफ़ी देर में आए थे, 2 बजे के बाद तो आना बेकार ही है, क्योंकि शाम के 4-5 बज जाते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो टाइम से आओ टिकट लो और देखो एंजॉय करो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।